स्टूडेंट को ये नहीं है कि एज अ एक हम कंसल्टेंट का एक रिलेशन बनाते हैं, एज अ फैमिली मेंबर हम आपको जो गाइड करते हैं, एज अ फैमिली मेंबर हम आपको जो है सिंगापुर में पढ़ने के लिए भेजते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट यहाँ से ये कह के भेज देते हैं कि सिंगापुर में पहले 6 महीने में भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स OJT ना मिलने के कारण भी वापस आ जाते हैं, लेकिन ये वही स्टूडेंट रहते हैं जिनका कॉलेज कम खर्चे वाला, जैसे यहाँ से इंडिया से कम खर्चे में वहाँ पे ले गया और वहाँ पे OJT लगवाने से मना कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे वरिंदरजीत है, अचिन त्यागी है, शुभम है, आसिफ है, अजय है, इन जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रोफाइल सक्सेसफुल रही है सिंगापुर में जाने के बाद। इंडियन कंसल्टेंट कई हैं जो बहुत कम खर्चे में यहाँ से सिंगापुर भेज देते हैं बच्चों को, लेकिन सिंगापुर में जाके एक्चुअली में बच्चों को पता चलता है कि या तो उनकी फीस में कोई ना कोई कमी रहती है, या ऑब्वियसली कॉलेज किसी ना किसी तरीके से उनको तंग करके जो है फीसेस और निकलवाता है, और स्टूडेंट उसमें क्या है परेशान रहता है सिंगापुर में जाकर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन अरोड़ा, डायरेक्टर VisaNight.com से। जैसे आप लोग जानते हैं कि सिंगापुर में मैंने 2022 में बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया, हज़ारों स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज करने के लिए। उन कोर्सेज को करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना जो फ्यूचर है वो किसी और कंट्री में आगे मूव करके ब्राइट कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिंगापुर में सेटल हो गए और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स राइट नाउ ऑन जॉब ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अभी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे वरिंदरजीत है, अचिन त्यागी है, शुभम है, आसिफ है, अजय है, इन जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रोफाइल सक्सेसफुल रही है सिंगापुर में जाने के बाद। और अगर आप भी जाना चाहते हैं सिंगापुर, इन जैसे अगर आप अपनी लाइफ को करना चाहते हैं सेटल, तो अगर आपका गैप 10-15 साल का हो चुका है और आपके पास बजट कम है, आपके पास फंड्स नहीं है शो करने के लिए, आपके पास आयल्स नहीं है, आपका किसी और कंट्री से रिफ्यूज़ हो चुका है, बिल्कुल भी निराश आपने नहीं होना है, क्योंकि सिंगापुर का प्लेटफॉर्म अभी भी आपके लिए 2023 में ऑन है और 2023 में हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत अच्छे अच्छे और कॉलेजेस, जिसमें हम आपको होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज करवाएंगे, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज करवाएंगे, लॉजिस्टिक एंड रिटेल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कोर्सेज करवाएंगे, और आप अपना फ्यूचर उन कोर्सेज को करने के बाद बहुत ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं। तो 2023 में आपके लिए VisaNight.com लेके आया है डायमेंशन कॉलेज, जिसमें आप होटल मैनेजमेंट करने के बाद अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको PG कोर्स दिया जाएगा, और अगर आप 10th और 12th पास आउट हैं तो आप डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स लेके आप डायमेंशन इंटरनेशनल कॉलेज सिंगापुर में स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये साल आपके लिए खुशियां भरा हो तो आप VisaNight.com की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर फ्लैश हो रहा है 8968987689। इस नंबर पर कॉल करके आप और ज़्यादा जो एक जानकारी है, एक प्रॉपर सिंगापुर के बारे में प्रॉपर जानकारी है, आप उन नंबर पर कॉल करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि अगर आप एडवांस में कोई पैसा नहीं देना चाहते हैं तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सिंगापुर में अप्लाई करने के लिए हमारे कंपनी में डिपॉजिट कर सकते हैं, सारे पैसे आपसे वीज़ा लगने के बाद लिए जाएंगे। और अगर आप डॉक्यूमेंट्स देना सिक्योर नहीं समझते हैं, आप अगर डिपॉजिट नहीं करना चाहते हैं, तो वो सेकंड पॉलिसी भी हमारी है कि 20,000 rupees डिपॉजिट करके आप जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे, जस्ट ओनली स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स आपने हमारी कंपनी में थ्रू द ईमेल सेंड करने हैं। और कंपनी की तरफ से आपको जैसे 2022 में मैंने स्टूडेंट्स को एयर टिकट दी है साथ में फ्री, और इसके अलावा 2 nights 3 days का होटल स्टे दिया है, अकोमोडेशन असिस्टेंस दी है, सिंगापुर के बारे में एक एक पॉइंट का उनको नॉलेज दिया है, जैसे वहाँ के जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं स्टूडेंट के, हमने उनका इंडिया में रहते रहते ही जो है उन स्टूडेंट्स से कॉन्टैक्ट करवा दिया जो ऑलरेडी सिंगापुर में है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं, जो मतलब हम स्टूडेंट को ये नहीं है कि एज अ एक हम कंसल्टेंट का एक रिलेशन बनाते हैं, एज अ फैमिली मेंबर हम आपको जो है गाइड करते हैं, एज अ फैमिली मेंबर हम आपको जो है सिंगापुर में पढ़ने के लिए भेजते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सिंगापुर में काम नहीं मिलता है, सिंगापुर में जैसे रहने की दिक्कत आती है। तो मोस्ट ऑफ इंग्लिश की जो प्रॉपर एक वैल्यू है, वो अगर किसी को इंग्लिश प्रॉपरली नहीं आती है तो उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि पहले 6 महीने जो है सिंगापुर में स्टडी के साथ वर्क अलाउ होता ही नहीं है। बहुत सारे कंसल्टेंट यहाँ से ये कह के भेज देते हैं कि सिंगापुर में पहले 6 महीने में भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। पहले 6 महीने सिंगापुर में वर्क बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। उसका रीज़न खासकर यही होता है क्योंकि आपको जो अगले 6 महीने होते हैं उसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलती है। अगर आप इस बात को समझ सकते हैं, अगर आप इस बात को जो अच्छे से अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, एक अच्छे कंसल्टेंट की अगर आप गाइडेंस लेकर अगर सिंगापुर जाएंगे, तो आपको वहाँ पर जाके कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
लगेगा। और कम खर्चे वाले कॉलेज की अगर बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे कम खर्चे वाले कॉलेज अपने आप को इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेंट कई हैं जो बहुत कम खर्चे में यहाँ से सिंगापुर भेज देते हैं बच्चों को, लेकिन सिंगापुर में जाके एक्चुअली में बच्चों को पता चलता है कि या तो उनकी फीस में कोई ना कोई कमी रहती है या ऑब्वियसली कॉलेज किसी ना किसी तरीके से उनको तंग करके जो है फीसिस और निकलवाता है और स्टूडेंट उसमें क्या है परेशान रहता है सिंगापुर में जाके। बहुत सारे स्टूडेंट्स ओजीटी ना मिलने के कारण भी वापस आ जाते हैं, लेकिन ये वही स्टूडेंट रहते हैं जिनका कॉलेज कम खर्चे वाला, जैसे यहाँ से इंडिया से कम खर्चे में वहाँ पे ले गया और वहाँ पे ओजीटी लगवाने से मना कर दिया। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, तो आप अपने जो फ्यूचर को अगर सिक्योर करना चाहते हैं visa9.com की टीम से आप जुड़िए। आप स्क्रीन के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया नंबर दिया हुआ है 8968987689, आप इस नंबर पर कॉल करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अच्छी गाइडेंस के साथ अगर आप सिंगापुर जाएंगे तो आप हमारी टीम के साथ ही सिर्फ कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको 100% जेन्युइन गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।